हिंदी भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सभी को मेरा प्रणाम और सुप्रभात। आप सभी का इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सृष्टि अड़वी आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारे स्टेला मैरिज स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर एल्फी और सिस्टर प्रभा इस कार्यक्रम की अध्यक्ष है। आज इन्हीं के कठोर संघर्ष, प्रयासों और मेहनत की वजह से ये विद्यालय इस क्षेत्र में उत्कृष्ट है। हमें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करने के लिए यह हर पल अपना योगदान देते हैं। इन्हीं की वजह से ये विद्यालय आज उत्कृष्ट है। हमारे हृदय की गहराइयों से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और इन्हीं के साथ हमारे सलामान स्कूल की व्यवस्थापक सिस्टर विनीता, आपका भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और हमारे प्यारे आदरणीय गुरुजनों और सभी सहकर्मियों और सहपाठियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुप्रभात। हिंदुस्तान के पहचान के हिंदी, भारत माँ के शान के हिंदी, आप सभी को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है इसका प्रचार प्रसार करना। इसी दिन 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 24 जनवरी 1950 से लागू हुआ और उसी दिन से हिंदी और अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा बन गई। हमारा भारत देश विशाल है। इस विशाल देश में विविध जाति, धर्म और भिन्न भिन्न भाषाएँ बोली जाती है, लेकिन इतने विशाल देश में अगर एक आम भाषा ना होते तो भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों में मेल मिलाप नहीं रहता। इसलिए एक उत्तम संपर्क भाषा होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया गया। आज़ादी के लड़ाई में हिंदी भी एक प्रभावशाली हथियार बन गई थी। महात्मा गांधी जी ने जनता को संबोधित करने के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते थे। चिकोहा में स्वामी विवेकानंद ने भारत के सदस्य बनकर हिंदी में भाषण दिए थे। इसलिए हिंदी को सम्मानित करने के लिए हमारे भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा। और एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आदर करती है। जय हिंद, जय भारत। खाती जिसको प्यारी बिट्टी। Yeah.
बड़ी दस बड़ी अंदर से सफेद पाछे हरी। उल्लू होता है वो हर दिन सोते रहता है। उसे ऊना कहलाती जिससे सतर बनती साथी। रूशे रूशे वेदों का दाता मीठा बोलो या सिकलाता। ऐसे तेरी बड़ी कमाल के पूरे शरीर का भार संभालती। हिंद देश के वासी हैं हम, हिंदी हमारी पहचान है। हर कार्यक्रम मनोरंजन के बिना अधूरा होता है, तो आप सभी को और मनोरंजित करने के लिए मैं कक्षा 10वीं से कुछ विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। आप ये भी जानते होंगे कि सन 14 सितंबर 1965 में हिंदी को देश की राजकारती भाषा के तौर पर अपनाया गया था। हिंदी मीठी, सौंदी और सरल भाषा है। यह हर किसी व्यक्ति को समझने और बोलने में आती है। कुछ व्यक्ति को बोलने और समझने नहीं आती है, परंतु हमारे देश की स्थिति कुछ इस तरह है। आइए मिलकर देखते हैं। सुप्रभात, चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है, अंतराजल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरनेट, विकिपीडिया, फेसबुक। तो हमारा दूसरा सवाल है, शास्त्रीय संगीत को सामान्य अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक। हमारा तीसरा सवाल है, होमो सैपियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? शायद कोई मुख जान गया। ये क्या है? आधुनिक मानव। देखा ना सभी ने, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु आज भी हमारे देश के कई स्थानीय लोगों को इस भाषा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यह भाषा अभी तक हमारे देश में उचित रूप से विकसित नहीं हुई है। सुप्रभात, मेरा नाम प्रणव केरसरकर, माननीय प्रधानाचार्य और मेरे सभी गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह को पखवाड़ा भी कहा जाता है। हिंदी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से चौथी क्रमांक पर है। हिंदी के विकास के लिए हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। गांधी जी ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को राज्य भाषा बनाने का निर्णय किया, परंतु कई राज्यों ने उसका विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजी को यह स्थान मिला। हिंदी के विकास के लिए हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, जिसके कारण हम हमारे हिंदी भाषा को सम्मान मिला पाएंगे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करते हैं कि हम हमारी हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनवी नगराडे। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट आवर हिंदी पोयम। गुड़िया मेरी प्यारी है, लगती राज दुलारी है, ओट लाल लाल है, काले काले बाल है, एक गुड्डा आएगा, डम डम ढोल बजाएगा, गुड़िया को ले जाएगा। थैंक यू।
रानी मैं राजा और तू रानी हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे राधे 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 ओ राधे 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 मुझे ऐसा लगता है कि आपको मनोरंजन की और जरूरत है, तो आपका मनोरंजन अधिक करने के लिए मैं कक्षा 9वीं से समय और यश को बुलाना चाहूंगी। तो आप सब तैयार हो जाइए मजेदार चुटकुले सुनने और हंसने के लिए। अब मेरी साड़ी ऊपर चूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? राशि बहन। ये राशि 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 कुकर में से चने निकालती है और खोली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ये राशि खोली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। गुड्डू का बच्चा अभी तक नहीं आया, बहुत लेट हो। कहीं से बुखार तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, मर भी सकता है। हेलो सर, आ गया। गुड मॉर्निंग सर, आ गया मेरा साबू। सर मैंने ना कल एक आदमी की जान बचाई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे बहुत मारा। क्यों? मैंने नदी में तैरकर उसे बचाया और अपने घर ले गया, फिर भी लोग मुझे कहते थे कि तूने उसे फांसी क्यों? मैंने कहा मैंने उसे फांसी नहीं दी, मैंने बस उसे सुखाने के लिए रस्सी पे टंगाया। कभी अपने आप को भी लटका के देखो, बहुत मजा आएगा। अब देखना तुझे कठिन से कठिन सवाल पूछूंगा और उसका जवाब तुझे देना ही होगा। आपके कठिन सवाल का जवाब देने के लिए हम भी रेडी है। बताओ भारत की जनता कितनी है? 30 करोड़। कैसे? अरे भैया हमने तो जवाब दे दिया, अगर नहीं यकीन हो रहा है तो जाके गिन। आज की घड़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरे विश्व को जरूरत है और COVID-19 से लड़ने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, और हमें गर्व होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो खुद की जान खतरे में डालकर लड़ रहे हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं कोरोना योद्धा। और इन योद्धाओं को मेरा शत शत प्रणाम। और इन्हीं योद्धाओं की वेशभूषा में आपके सामने प्रस्तुत है छोटे छोटे बच्चों का प्यारा प्यारा प्रदर्शन। देश में फैले गए हैं, बहुत आवश्यक हो तब बाहर निकलेगा। बाहर निकलते समय मास्क लगाकर निकलेगा और अपने साथ सैनिटाइजर भी रखेगा। और जब यही उपाय है जो हमें कोरोना से सुरक्षित और स्वस्थ रख सके। मैं एक बात कहूंगी, मैं कोरोना से लड़ने में पूरा योगदान दूंगी। थैंक यू। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं कोरोना योद्धा हूँ और मैं कोरोना से कैसे बचना है बताने वाली हूँ। और बाहर जाते वक्त मास्क लगाए और ध्यान रखना कि मास्क मुंह और नाक से अच्छी तरह से ढके रहे और सैनिटाइजर भी करे और हैंड वॉश से बार बार हाथ धोए। और मैं आपको कोरोना को खत्म करने में आपकी मदद करूंगी। घर में रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू। को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना है। दोस्तों मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, मैं मरीजों को घर से अस्पताल ले जाती हूँ। आप घर से बाहर मत निकलिए, बाहर कोरोना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं पुलिस अधीक्षक हूँ। कोरोना के लड़ाई में मैं पूरा योगदान देता हूँ। आप घर से बाहर मत निकले, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व अमूल्य है। मुझे गर्व है कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ।
मैं रोज सुबह उठकर सड़क साफ करती हूँ। कोरोना को हराने में पूरा योगदान देना चाहती हूँ। सब लोग अपना परिसर स्वच्छ रखें, रहे सुरक्षित रहे। जय हिंद। नृत्य ऐसी कला है जो हंसी खुशी के भावना का सच्चा एहसास कराती है। तो आज आप सभी को और मनोरंजित करने के लिए मैं अपने विद्यालय से कुछ नृत्य कलाकारों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। सभी लोग होमवर्क बना लिए हो ना? आपको बहुत हंसी आ रही है। होमवर्क हो गया है कंप्लीट आपका? नहीं सर, होमवर्क तो नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं हुआ? सर आपने कल कहा था ना कि होमवर्क करके नहीं आओगे तो कल मुर्गा बनाऊंगा। हाँ तो मैं तो सिर्फ मुर्गा खाने आया हूँ सर। शट अप, होमवर्क क्यों नहीं किया? वो एक्चुअली सर लाइट नहीं थी सर। अरे तो मोमबत्ती जला लेते। माचिस नहीं थी सर। अब माचिस क्यों नहीं थी? पूजा घर में रखा हुआ था सर। तो वहाँ से ले आते। सर नहाया हुआ नहीं था सर। अरे तो नहाया क्यों नहीं था? सर पानी नहीं था सर। अरे अब पानी क्यों नहीं था? वो मोटर नहीं चल रहा था सर। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? सर बताया तो सर लाइट नहीं थी। तो अब इस शुभ दिन पर अपने गुरुजनों का धन्यवाद करने हेतु और लॉकडाउन के अनुभवों का वृत्तांत बताने के लिए मैं तेजस्वी को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं तेजस्वी कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आपको लॉकडाउन के कुछ यादगार अनुभव बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण विश्व के लोग अपने घर पर है, अपने घर से काम कर रहे हैं। इनमें से ही हमारे गुरुजन जो हमें घर से सिखा रहे हैं। शुरुआत में तो हम चिंतित हो गए थे कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, पर हमारे गुरुजन ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर इतना कठिन कार्य संभव कर दिया है। वो हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो हमें समझाते हैं, और अगर हमें ना समझे तो वो हमें व्यक्तिगत बातचीत करके समझाते हैं। हम घर पर रहकर भी हमें ऐसा लगता है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो हमें नियमित गृह कार्य भी देते हैं, और अगर हम वो करें या ना करें ये भी वो अच्छे से ध्यान में रखते हैं। राह संघर्ष की जो चुनता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम COVID-19 जैसी महामारी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी जीवन शैली में कितना ही बदलाव क्यों ना आ जाए, परंतु हमारे हृदय की आवाज और हमारे हुनर को कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के इस आभासी हिंदी दिवस के कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने अपने सुंदर सुंदर प्रतिभा का परिचय दिया है। माँ और मातृभाषा, इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो आज के दिन को अति सम्मान देने के लिए बच्चों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारी प्रधान अध्यापिका आदरणीय सुश्री प्रभा डीएम जी के द्वारा बोले गए मीठे शब्दों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए हैं। सिस्टर जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हिंदी हृदय की भाषा है, जिसकी वजह से शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आज के इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा गुनगुनाए गए शब्दों की ध्वनि हमारे मन को मोह लेगी। आपका मूल्य समय सदैव हमारे लिए सराहनीय रहेगा। एक बार पुनः मैं सभी हिंदी शिक्षिकाओं की ओर से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। देश की ऊंची शान करें, हम मिट्टी में काम करें, जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। आप सभी को मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वैष्णवी तिवारी कक्षा 9वीं ब की छात्रा हूँ और आज आप सभी के सामने मैं आभार प्रदर्शन के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय प्राध्यापिका सिस्टर एलपी डीएम और सिस्टर प्रभा डीएम, आप दोनों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ ही प्राध्यापिका सिस्टर विनीता का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आप अपने व्यस्त घड़ी में से हमारे लिए कीमती समय निकाल पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आनंद है कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमें प्रोत्साहन दिया। और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए जिनका सबसे बड़ा और अमूल्य योगदान है, अर्थात हमारे माननीय अध्यापक जन, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी।